हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतिभा क्रिएटिव। आज इस वीडियो में आपको एक बोट नेक डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नेक के लिए हम बुकरम लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम बोट नेक के लिए 4 इंच में मार्क लगाएंगे। बोट नेक की लेंथ मैंने यहाँ पे 3 इंच ली है। अब यहाँ से देखिए, हम बोट नेक का शेप देंगे इस तरह से। अब देखिए, इस मार्क से हम नीचे की तरफ 4 इंच में मार्क करेंगे। नेक की टोटल लेंथ मैंने यहाँ पे 7 इंच ली है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकती हैं। अब देखिए, आगे की तरफ हम 1/2 इंच इस तरह से गैप देंगे और यहाँ से देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन के बीच का गैप 1 इंच है। अब देखिए, नेक के साइड में हम 1/2 इंच का गैप लेंगे। तो 1/2 इंच का गैप लेते हुए हम इसके साइड में मार्क कर लेंगे। इस तरह से अब देखिए, यहाँ पे हम यहाँ से नीचे की तरफ 6 इंच में मार्क करेंगे। अब आगे की तरफ हम 1/2 इंच का इस तरह से गैप देंगे और इस तरह से हम मार्क कर लेंगे 1/2 इंच पे। फिर मार्क्स को मिला लेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये हमारा बोट नेक का डिज़ाइन कंप्लीट है। इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए, इसे हमने कट कर लिया है। अब हम फैब्रिक लेंगे। फैब्रिक को रॉन्ग साइड पे इस तरह से रखेंगे, राइट साइड हमारा नीचे रहेगा। इसके ऊपर हम इसे डिज़ाइन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसे एकदम इस पर बराबर रखेंगे, इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे और साइड में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब हम कुर्ती लेंगे। कुर्ती की राइट साइड को हम नीचे रखेंगे और रॉन्ग साइड पे ही हम इस डिज़ाइन को पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से सेंटर मिलाते हुए इसे रखेंगे, एकदम बराबर में रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसे हमने कट कर दिया है। साइड में थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए नीचे देखिए हमने सिलाई नहीं लगाई है। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर दिया है। नीचे हमने सिलाई नहीं लगाई है, सेंटर में हमने इसके मार्क कर दिया। देखिए, अब यहाँ पे हम फ्रिल लगाएंगे। तो उसके लिए हम इस तरह से पट्टी लेंगे। इसकी चौड़ाई देखिए मैंने 2.5 इंच ली है और लंबाई देखिए 25 इंच ली है। तो इस तरह से आप इस पट्टी को कट कर लीजिएगा। अब देखिए, इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। आगे की तरफ देखिए, हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे डबल फोल्ड करेंगे। अब हम सुई धागा लेंगे और इसे देखिए इस तरह से यहाँ पे हम बड़े बड़े टाँके लेते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। हमें यहाँ पे बड़े बड़े टाँके लेने हैं। देखिए, इस तरह से इसे हम सिल लेंगे।
अब देखिए लास्ट में हम फिर से इसे फोल्ड करेंगे, जैसे हमने आगे फोल्ड किया था उसी तरह हम यहाँ पर इसे फोल्ड करेंगे। और अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने धागे को हल्का सा खींच दिया है। अब यहाँ पे देखिए हम इस तरह से फ्रिल बनाएंगे। हमें धागे को ज़्यादा नहीं खींचना है, हमें बस थोड़ा सा खींचना है और इस तरह से हमें इसे बिल्कुल बराबर कर लेना है, एकदम पास पास में इसे फैला लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमने फ्रिल बना ली है। अब यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। ये देखिए हमारा फ्रिल रेडी है। अब हम नेक लेंगे। अब इस नेक में इस फ्रिल को अटैच करेंगे। तो देखिए हम इसे इस तरह से रखेंगे। एकदम बराबर से रखेंगे। इसे बिल्कुल नीचे सेंटर में हम रखेंगे इस तरह से। नीचे हमने सेंटर में मार्क किया था उसी पे इस बराबर रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। इसे एकदम बराबर कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम फ्रिल को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने फ्रिल को अटैच कर दिया इसके ऊपर। यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे डोरी को अटैच कर दिया है। तो ये हमारा बोटनेक बन के तैयार हो गया है। आप इसे अपनी कुर्ती या फिर टॉप पे ट्राई कर सकती हैं। अगर आपको हमारा ये बोटनेक डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।